और एक कल एक और गाना रिलीज हो रहा है मेरे बड़े भाई का, और उसमें वो अकेले नहीं, कम से कम हिंदी के चार तीन लोग और हैं। तो मैं ये नहीं कि मैं डर से पीछे भागा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे चला गया इसलिए क्योंकि देखिए हम दोनों भाई भोजपुरी को प्रेजेंट नहीं कहीं दूसरे भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो लड़ने का कोई रीजन ही नहीं बनता है किसी चीज़ के लिए। हाँ भोजपुरी में बहुत सारे चैनल हैं इसलिए आदमी ये नहीं छोड़ा तो वो छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ा तो वो छोड़ दिया, तो वहाँ पे चलता है। बट मुझे लगता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बुजुर्ग हैं, और हम बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करते हैं, हमारे खून में है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान, और हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और कल दोनों गाना रिलीज होता तो कहीं ना कहीं फैन आपस में लड़ते, यूट्यूबर आपस में लड़ते, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो मैं उनके लिए छोटा भाई हूँ उनका, उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और आजीवन करूँगा मैं। वो डर नहीं है, वो एक सम्मान है, उनका अपने लेवल का गाना है, मेरा अपने लेवल का गाना है, हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, और हम जब मिलते हैं एक दूसरे से तो हमेशा उनसे मुझे एक बड़े भाई का प्यार मिला है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उनसे लड़ूँ। और इसमें समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि फैंस आपस में लड़ जाते हैं, यूट्यूबर लोग लड़ जाते हैं, अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। और एक भोजपुरी का बेटा होने के नाते हम दूसरे इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, उस परिवार को, उस चेहरे को, कि दुनिया कहे कि हाँ यार ये पवन सिंह है भोजपुरी का है, ये खेसारी लाल यादव भोजपुरी का है।